हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाइब्रिड फिजिक्स। हाइब्रिड फिजिक्स में हम कवर कर रहे हैं मैक्सिमम इन डेप्थ कवरेज ऑफ फिजिक्स एंड मिनिमम पॉसिबल टाइम। हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, और अब तक कई सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले इट्स द टाइम टू हैव अ क्विक रिकैप। पोजी, रिकैप प्लीज। दीज आर द पॉइंट्स जो हमने पहले कवर करे हैं। रेफरेंस फ्रेम, आने वाली एक या दो क्लासेस में रेफरेंस फ्रेम को हम अगली स्टेप पे लेके जाएंगे, और अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि रेफरेंस फ्रेम वो रीजन होता है जहाँ से सारे मोशन के पैरामीटर्स मेज़र किए जाते हैं। जितने भी इनर्शियल पैरामीटर्स हो सकते हैं उस मोशन से रिलेटेड, मोशन के पैरामीटर्स यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी, ये सभी पैरामीटर्स हम जहाँ से मेज़र करते हैं उसे हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, द बेसिक डिफरेंस इज स्केलर एंड अ वेक्टर, एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज पाथ लेंथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट फार्मूला K1, जो कि सिंपली हम डिफाइन करते हैं स्पीड या वेलोसिटी को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। कई स्टूडेंट्स इसको इतना एलिमेंट्री फार्मूला मान के चलते हैं, बट मैं प्रीवियस क्लासेस में ले चुका हूं कि बिल्कुल एलिमेंट्री फार्मूले से भी कई बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जो जेई में या नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हमने बात करी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां पे हमने K2 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें कभी भी अगर आपको वेलोसिटी वेरी करती हुई दिखे किसी सिचुएशन में या किसी क्वेश्चन में, तो आप हमेशा वी को dx/dt लिख के वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करें। K2 कॉन्सेप्ट को भी हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने लास्ट टू क्लासेस में कवर किया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एवरेज भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इन एनी गिवन सिचुएशन अगर एवरेज के बारे में बात की जा रही है, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज एक्सेलरेशन हो, एवरेज का मतलब होता है मोशन के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के पूरे मोशन की ओवरऑल बात करते हैं। और एक्सेलरेशन के यूनिफॉर्म केसेस हमने पिछली क्लासेस में लिए, जिनमें हमने बात करी थी कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम स्पीड इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, जो था हमारा कॉन्सेप्ट K3। स्पीड इक्वेशंस थी v=u+at, s=ut+ ½at² और हमने करा था v²=u²+2as। ये तीनों इक्वेशंस के बारे में हमने बात करी थी कि कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो हमेशा आप इन तीनों इक्वेशन से कोरिलेट कीजिए कि गिवन डेटा उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा है और क्या डेटा पूछा गया है, तो इनमें से कोई इक्वेशन को यूज़ करके आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। साथ ही हमने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट K4, जिसमें हमने ये बात करी थी कि अगर इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी किसी भी वन डायमेंशनल मोशन में जीरो है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया गया है, फाइनली अ बॉडी इज कमिंग टू स्टॉप ये दिया गया है, तो हम कॉन्सेप्ट K4 को यूज़ करते हैं, जिनमें हमने जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन डिस्कस करे थे, यूज्ड वन u=0 और v=0। 6 फार्मूलाज हमने डिस्कस करे थे। मैं सजेस्ट करूंगा जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लास मिस करी हो, पिछली क्लास को देख लें ताकि उसके एप्लीकेशंस आप और अच्छे से क्लियर कर पाएं, और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप करें, चाहे physicsgalaxy.com वेबसाइट पर Q-Set या MCQ प्रैक्टिस सेक्शन से करें या physicsgalaxy बुक सीरीज से करें, जो कि आपको ओवरऑल बूस्ट देगी। इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक अगली स्टेप, इन्हीं इक्वेशन के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म जो कि कई बार यूज होते हैं। हम एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करेंगे, वो करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन को। पहली चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है कि दीज आर वेक्टर इक्वेशंस आल्सो। इन इक्वेशंस को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। v= u+a⋅t, s=u⋅t+ ½at² and v²=u²+2a.s। ये तीनों इक्वेशंस की वेक्टर फॉर्म्स हैं। वेक्टर का मीनिंग होता है जब भी किसी वन डायमेंशनल मोशन में बॉडी मूव कर रही है, तो हम बात कर चुके हैं बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो रिटर्न भी हो सकती है। रिटर्न होगी यानी उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होंगे। डिस्प्लेसमेंट भी अगर एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। मैं कुछ एप्लीकेशंस लूंगा इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से वेक्टर इक्वेशंस काम आती हैं। ऑल्दो यहां पे हम टू डायमेंशनल मोशन की बात नहीं कर रहे, तो सिर्फ वन डायमेंशन में वेक्टर की बात करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज के बारे में बात करेंगे इन वन डायमेंशनल मोशन। आइए आगे बढ़ते हैं विद सम इलस्ट्रेशंस टू अंडरस्टैंड वेक्टर इक्वेशंस। पोजी, बोर्ड को क्लियर करें। थैंक यू पोजी। यहां पे हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे, जो इलस्ट्रेशन पिछली क्लास में भी लिया जा चुका है अगर आपको याद हो।
एक टावर है 100 मीटर हाइट का जिसके ऊपर एक बॉय बॉल को थ्रो करता है, 20 मीटर्स पर सेकंड से बॉल ऊपर जाती है और फाइनली ग्राउंड को हिट करती है, और हमें कैलकुलेट करना है फाइन टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट K4 को यूज करके हमने इस मोशन को दो जर्नी में ब्रेक किया था और क्विकली ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप वेक्टर स्पीड इक्वेशंस को अप्लाई करना समझें। जब भी किसी वन डायमेंशनल मोशन को आपको साइंस के साथ यानी वेक्टर मेथड से सॉल्व करना हो तो हमेशा आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिचुएशन में एसोसिएट करना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से मोशन शुरू हो रही है उसे हम ओरिजिन लेते हैं ओ। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है उसको आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले सकते हैं, दूसरे को माइनस एक्स ले सकते हैं, अपोजिट भी कर सकते हैं, इससे कोई इक्वेशन या सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली बॉल ग्राउंड पे एक पॉइंट ई है जहां पे ये हिट करता है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ओ से ई तक की मोशन को एनालाइज करें तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में कह सकते हैं फॉर बॉल फ्रॉम ओ टू ई, अगर ओ से ई तक जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो पार्टिकल की बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हम लेंगे प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। प्लस इसलिए क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट करेंगे आपको हमेशा केयरफुल रहना है। एक्सेलरेशन देखेंगे तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है जी, तो हम लेंगे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट देखें तो ओ से ई तक का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होगा माइनस 100 मीटर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स डायरेक्शन में लिया गया है। नाउ इन दिस सिचुएशन यू ए और एस है हमारे पास, टाइम कैलकुलेशन करनी है यानी इक्वेशन टू को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट K3 यूज कर रहा हूँ कि फिट कौन सी इक्वेशन होती है हम देखेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन टू वी हैव, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मैं लूंगा माइनस 100 is equal to ut 20t, acceleration is minus 10, minus half at square yani minus 5t square, quadratic equation ko simplify karein, ye hamare paas aata hai t square minus 4t minus 20 is equals to 0. aap quadratic equation ko directly solve kar sakte hain, time aayega minus b yani 4 plus minus root of b square 16 minus 4ac 80, this is plus 80 डिवाइडेड बाई 2। सो वैल्यू हमारे पास आती है, माइनस साइन में इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि सेकेंड टर्म बड़ी है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यहाँ से मेरे पास निकल के आता है 2 प्लस रूट ऑफ 96 बाई 2, यानी अगर 16 को रूट के बाहर निकालें तो फिर 2 कैंसिल होगा, ये आएगा 2 प्लस 2 रूट 6 सेकेंड। अब ध्यान से देखें, यही आंसर हमने निकाला था इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट K3 से सॉल्व करके। यहाँ पे हमने डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को K4 कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्ट ओरली यही रिजल्ट निकाला था, बट इस क्वेश्चन में हमने K3 कॉन्सेप्ट यूज किया बट इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को एसोसिएट करके सॉल्व किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम को एसोसिएट करना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं कुछ और इलस्ट्रेशंस लूंगा ताकि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इन डिफरेंट केसेस समझ सकें, बट एग्जामिनेशन हॉल में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट किस मेथड से क्वेश्चन को स्ट्राइक करते हैं। मेथड्स कई हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड से अटैक करना है ताकि आप क्विकली सॉल्व कर पाएं, और वो सिर्फ आप प्रैक्टिस से अचीव कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्वालिटी क्वेश्चन, ताकि आप ये जज कर पाएं किसी भी नए क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से अटैक करना है। पूजी प्लीज़ क्लियर द बोर्ड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है, कई बार बुक्स में या क्लासेस में इसे एज ए फंडामेंटल थ्योरी भी कराया जाता है, मगर मैं फिर भी चाहूंगा एज ए मैटर ऑफ रूल ऑफ हाइब्रिड फिजिक्स हम हर क्वेश्चन को चाहे वो कितना भी इजी हो, सिंपल हो या एडवांस हो, उतनी ही सीरियसनेस के साथ अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स प्रोसीड। एक पार्टिकल पी दिया गया जो टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट होता है विद इनिशियल स्पीड यू, और इसका एक्सेलरेशन ए दिया गया। हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन आफ्टर स्टार्ट। nth सेकेंड ऑफ मोशन मतलब टी इक्वल टू जीरो से अगर हम बात करें टी इक्वल्स टू वन तक, सो टी इक्वल्स टू जीरो से वन तक ये पहला सेकेंड होगा मोशन का जिसमें पार्टिकल कुछ आगे बढ़ेगा। फिर वन से टू तक का, टी इक्वल्स टू वन से टी इक्वल्स टू टू तक का जो टाइम होगा वो होगा पार्टिकल का मोशन का सेकेंड सेकेंड। इसी तरह से अगर हम बात करें nth सेकेंड ऑफ मोशन, तो nth सेकेंड ऑफ मोशन होगा n माइनस वन टी इक्वल्स टू n माइनस वन से टी इक्वल्स टू n तक का ड्यूरेशन। यानी किसी भी सेकेंड की हम बात करें मोशन की, स्टार्टिंग
फ्रॉम रेस्ट से या इनिशियल स्पीड से जब पार्टिकल शुरू होता है तो nth सेकंड तक जितना मोशन होगा उसमें से अगर n माइनस वन सेकंड का मोशन हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये निकल के आएगा जिसे हम कह सकते हैं डेल्टा एस एन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड। हमेशा ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑल्दो इस इलस्ट्रेशन के अंदर एक ही डायरेक्शन में मोशन है सो साइन के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस एक्स और बैकवर्ड डायरेक्शन को माइनस एक्स लेके सॉल्व करेंगे। अगर इस मोशन में बात करें सो सॉल्यूशन में हम ये कह सकते हैं डेल्टा एस एन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अप टू एन एच सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट अप टू एन माइनस वन सेकेंड। अगर सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन टू से तो एन एच सेकेंड में टी को एन डाल के आप लिख सकते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन हम लिख सकते हैं यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यू एन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी एक यू, सेकेंड टर्म में हाफ ए एन स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट और यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बचेगी एक बचेगा माइनस हाफ ए और एक टर्म हमारे पास बचेगी दिस इज प्लस हाफ ए और माइनस टू एन, सो ये बचेगा हमारे पास ए एन जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं यू प्लस ए बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू एन माइनस वन। ये है हमारे पास डेल्टा एस एन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एन एस सेकेंड, और इसी फॉर्म को मॉडिफाइड फॉर्म में विद वेक्टर भी लिखा जा सकता है और जिस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज फोर्थ स्पीड इक्वेशन, मगर इस इक्वेशन के बहुत ही लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड यूज होंगे। ये इक्वेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगी nth सेकेंड के अंदर। अगर पार्टिकल कई बार आगे जाके वापस रिटर्न होता है जैसा मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में लेने वाला हूँ, आप रियलाइज करेंगे कई सारी चीजें दिखेंगी। स्पेसिफिकली इन दिस क्वेश्चन हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, सो आप ध्यान रखें। लेट्स कैरी ऑन विद वन मोर इलस्ट्रेशन, बट इसको एज ए फोर्थ इक्वेशन आप यहाँ पे लिस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू पोजी। एक और इलस्ट्रेशन हम ले रहे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शन बिल्ड होता है एंड आई एम श्योर अभी इस इलस्ट्रेशन के एनालिसिस के बाद आप रियलाइज करेंगे कि किस तरह के मिसकॉन्सेप्शन एग्जाम में या घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त होते हैं। बिल्कुल पिछले इलस्ट्रेशन जैसा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल पी 17 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है सो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम होगी। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पी इन 9 सेकंड ऑफ मोशन फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्टिंग से 9 सेकंड में इसका डिस्टेंस क्या होगा। अगर हम इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पीड इक्वेशन 4 अप्लाई करते हैं डायरेक्टली ये देख के कि nth सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा विद n इक्वल्स टू 9। सो अगर हम कैलकुलेट करें यूजिंग इक्वेशन 4, सो आप यहां से देख सकते हैं हमारे पास डेल्टा एस 9 का वैल्यू आएगा u, इनिशियल स्पीड है 17 प्लस माइनस ए है तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू टू मल्टीप्लाइड बाई टू इंटू नाइन माइनस वन। यहाँ पे एन को मैंने 9 लिया है क्योंकि 9 सेकेंड के मोशन को लेना है, एक्सेलरेशन माइनस लिया है सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 17 माइनस 9 टू टू 18 माइनस वन 17, रिजल्ट आएगा 0। सो क्या इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, 9 सेकेंड ऑफ मोशन में पार्टिकल 0 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? नहीं, ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये फॉर्मूला हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को एनालाइज करें, जो मैं पहले भी बता चुका हूं हर क्वेश्चन को जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है आपको, बहुत केयरफुली स्टेप बाय स्टेप देखना है। सो अगर इनिशियल स्पीड 17 है, एक्सेलरेशन 2 है तो आप निकाल सकते हैं कितनी देर बाद जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, कुछ दूरी पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। और अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्सेप्ट के फोर से टाइम, अब तक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वी बाई ए, या इनिशियल स्पीड है हमारे पास तो इट इज़ यू बाई ए, यू इज 17, ए इज 2, तो वैल्यू आती है हमारे पास 8.5 सेकंड, यानी 8.5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये वाला टाइम इंस्टेंट होगा 8.5। यानी हम कैलकुलेट करें t इक्वल टू 8 सेकंड पे पार्टिकल पीछे कहीं होगा, 8.5 पे 0 होगा और इसके बाद क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है पार्टिकल रिटर्न होगा और पीछे जाएगा। सो इफ इट इज गोइंग बैक और ये टाइम t इक्वल्स टू 8.5 सेकंड है तो वापस से ये t इक्वल टू 9 सेकंड पे उसी जगह होगा जहां पे ये t इक्वल टू 8 सेकंड पे था।
क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जर्नी में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पी इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड कहां से कहां तक होता है? 9 सेकेंड का मतलब है टी इक्वल टू 8 to t = 9 सेकेंड। सो अगर आप 8 सेकेंड से 9 सेकेंड देखें तो विजुलाइज करने पे पता चलता है कि ये पार्टिकल उसी पोजीशन पे है, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 8 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच में कितना है? जीरो। इसलिए इस इक्वेशन से रिजल्ट आता है जीरो, क्योंकि ये इक्वेशन सारी वेक्टर इक्वेशंस हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पी इन 9th सेकेंड ऑफ मोशन, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? डिस्टेंस होगा ये 8 से 8.5 तक जाएगा और 8.5 से 9 तक आएगा, आने और जाने वाली डिस्टेंस का सम ये होगा 9 सेकंड के अंदर पार्टिकल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर ये x है तो इस x की वैल्यू मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट k4 को यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो है। मैं फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है 2 और टाइम ड्यूरेशन इस जर्नी का कितना है? 8.5 से 9 तक, यानी 0.5 सेकेंड। सो ये होगा 0.5 का होल स्क्वायर, वैल्यू निकल के आती है 0.5 स्क्वायर इज 0.25 मीटर। सो अगर 0.25 मीटर हमारी ये वाली डिस्टेंस है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 8 to 9 सेकेंड, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास 2x, यानी 0.25 × 2 विच इज 0.5 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरह के मिसकॉन्सेप्शन डेवलप होते हैं। मेजर मिसकॉन्सेप्शन डेवलप होते हैं जब स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड नहीं करते और क्वेश्चन की रीडिंग में फ्लो में कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। सो आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि क्वेश्चन की केयरफुल रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आइए वैक्टर एनालिसिस के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इलस्ट्रेशन लेते हैं। पोजी प्लीज क्लियर द बोर्ड। इस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे हमें एक एलिवेटर दिया गया है जो ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और उसकी सीलिंग पे एक लूज बोल्ट है जो कि वहां से ढीला होके गिरता है। दिस इज अ वेरी कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी जिनको बोल्ट एलिवेटर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। और 4 मीटर एलिवेटर की सीलिंग हाइट है। हमें कहा गया अ लूज बोल्ट फॉल्स फ्रॉम सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप एट 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच बोल्ट विल हिट द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इन्हीं स्पीड इक्वेशन से आप कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन कुछ गिवन नहीं है, तो हम लेके चलेंगे जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केसेस में इट इज़ गुड टू यूज कॉन्सेप्ट k3 और डायरेक्टली स्पीड इक्वेशन। तो इसको सॉल्यूशन को प्रोसीड करने के लिए मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूं ताकि हमारे लिए समझना इजी रहे। एलिवेटर की सीलिंग पे एक लूज बोल्ट है, क्योंकि एलिवेटर ऊपर जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकेंड से, तो इसके साथ बोल्ट भी ऊपर जा रहा होगा। बोल्ट की इनिशियल स्पीड भी हम लेंगे 5 मीटर्स पर सेकेंड। हमेशा ध्यान रखें किसी भी बॉडी के साथ कोई भी अटैच्ड बॉडी है तो उसकी इनिशियल स्पीड मेन बॉडी की, मूविंग बॉडी की स्पीड ही ली जाएगी। और अगर ये लूज हो जाता है, यानी लूज होते ही ये बोल्ट फ्री फॉल में आ जाएगा, फ्री फॉल में आते ही ये जी से रिटायर्ड होगा, यानी ऊपर जाएगा और फाइनली नीचे गिरेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में भी एलिवेटर ऊपर जा रहा है, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जब ये बोल्ट ऊपर जाके नीचे आएगा तो यहाँ तक बोल्ट को नहीं आना है। इस ड्यूरेशन में ये एलिवेटर भी कुछ हाइट तक रेज हो जाएगा, यानी ये बोल्ट इस जगह पे कहीं पे इस एलिवेटर के फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा। अगर हम ये मानते हैं कि टी टाइम के बाद ये स्ट्राइक करता है, टी इक्वल टू जीरो पे बोल्ट लूज हुआ था और टी इक्वल टू टी पे बोल्ट ने फ्लोर को हिट किया, एलिवेटर के फ्लोर को हिट किया, सो इस ड्यूरेशन में एलिवेटर कुछ डिस्टेंस ऊपर चलेगा, जिस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वी टी, यानी 5t। 5 मीटर पर सेकेंड से एलिवेटर जा रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, कॉन्सेप्ट k1 यूज़ करें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर अपवर्ड इज 5t। अगर हम बात करें बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट तो ये डाउनवर्ड है, इनिशियल पॉइंट को हम ओरिजिन लेंगे, अपवर्ड प्लस एक्स डायरेक्शन, डाउनवर्ड माइनस एक्स डायरेक्शन। और इसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इस डिस्प्लेसमेंट को एक्स डैश लिखा जा सकता है। और स्पीड इक्वेशन 2 हम यूज़ करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बोल्ट को ऊपर जाके आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, एलिवेटर को जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर बोल्ट, बोल्ट के लिए हम यूज़ करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू स्पीड इनिशियली अपवर्ड थी 5t और डाउनवर्ड इसका एक्सेलरेशन जी हम लेंगे
माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड माइनस एक्स एक्सिस है, सो ये होगी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यानी माइनस 5 टी स्क्वायर। और अगर हम एक्स डैश की बात करें तो ये एक्स डैश कितना होगा, टोटल फ्लोर हाइट हमें 4 मीटर दी गई है, तो ये टोटल डिस्टेंस होगी 4 माइनस 5 टी, क्योंकि एलिवेटर 5 टी डिस्टेंस चल चुका है, सो एक्स डैश को हम 4 माइनस 5 टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है माइनस एक्स डैश, जो डिस्प्लेसमेंट एलिवेटर का होगा वो होगा 4 माइनस 5 टी इज इक्वल्स टू 5 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, यहाँ पे ये 5 टी कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर, यानी यहाँ से टाइम की वैल्यू आती है हमारे पास रूट ऑफ 4 बाई 5 या रूट ऑफ 0.8 सेकेंड, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जितनी देर बाद ये बोल्ट फ्लोर ऑफ एलिवेटर को हिट करेगा। There are many such questions will take up, but बहुत ज़रूरी आप इस क्वेश्चन को समझें, सिंपल फॉर्मेट में आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को एसोसिएट करके स्पीड इक्वेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एक और क्लास के बाद लेना चाहूँगा रिलेटिव मोशन में, ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से ओरली सॉल्व किया जा सकता है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस के साथ आप रियलाइज करेंगे, ये मेथड सीख पाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी नए क्वेश्चन को फास्टेस्ट किस मेथड से अटैक किया जा सकता है। सो आप जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनके साथ बने रहिए। ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने वेक्टर स्पीड इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास तक बने रहिए हाइब्रिड फिजिक्स के साथ, मैक्सिमम कवरेज ऑफ फिजिक्स एंड मिनिमम टाइम ड्यूरेशन। विश यू ऑल द बेस्ट।